नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं सौरभ कुमार। प्रशासन की लापरवाही अनेकों प्रकार से मिलती रही है। अभी मैं मिलने आया हूं धर्मेंद्र कुमार से, और यह नागदा के ग्रामवासी हैं, और इनका बाइक जो है 2017 में खो गया था। तो ये नगर थाना के अंतर्गत अपना FIR करवाए। आइए हम इनसे जानना चाहेंगे इनके साथ क्या हुआ। प्रशासन की काफ़ी लापरवाही देखी गई है इस जगह। तो धर्मेंद्र कुमार जी, आप बताइए, आपका बाइक कब खोया? 4 जनवरी 2017 में चोरी हुआ था जी। उसके बाद मैंने FIR दर्ज किए जी, नगर थाना क्षेत्र में आवेदन दिए जी। उसके बाद अक्टूबर नवंबर 2019 में जी धराड़ा थाना मुंशी को गाड़ी चलाते हुए जी देखे थे नंबर प्लेट बदल के जी। तो मैंने गाड़ी पहचान कर लिया जी, और तब जाके मैं फिर नगर थाना गए। नगर थाना से भी डांट फटकार के भगा दिए जी। उसके बाद गढ़ारा थाना गए, गढ़ारा थाना से भी डांट फटकार के भगा दिए हमको, बोले जाइए कोर्ट से अपना रिलीज कराइए जी। उसके बाद SP साहब को मैंने 23 दिसंबर 2019 को दिए थे आवेदन लिख के। तो SP साहब बोले ठीक है, जाइए आपका हो जाएगा। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ उनके जी। उसके बाद हम DIG साहब को भी लेटर दिए थे जी, तब जाके एक सना प्रतिवेदन जी नगर थाना को लिख के गढ़ारा थाना वाला दिए जी। अच्छा सर, जब आप धर्मेंद्र जी, जब आपने एप्लीकेशन दिया था नगर थाना को, तो नगर थाना ने कुछ कार्रवाई की थी? कोई कार्रवाई नहीं की है। अच्छा, और गढ़ारा थाना जब आपने गया तो आपको कैसा आश्वासन दिया गया? आश्वासन अजीत कुमार सिंह जो दरोगा जी थे उनसे मिले जी, उन्होंने बताया जाइए, हम इस मैटर में कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा धर्मेंद्र जी, आप हमें बताइए कि आप जब बाइक को देखे तो उस समय गाड़ी कौन चला रहे थे? नगर थाना का मुंशी जो है अरुण रजक, वो चला रहे थे। कभी मार्केट में, कभी घर पे, उसका मैं वीडियो भी बना के फोटो वीडियो। अच्छा जी, आपके पास वीडियो भी है जी? जी, तो आप हमें बताइए कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो आपने FIR किए, क्या आपके पास गाड़ी के पेपर और डॉक्यूमेंट है जी? आप हमें दिखा सकते हैं जी? ठीक है, तो आप हमें जरा दिखाइए। तो ये FIR कॉपी हो गया जी, और ये जो है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड पेपर है जी। बिल्कुल जी, और ये जो प्रतिवेदन है गढ़ारा थाना वाला नगर थाना को लिख के जो दिए थे जी जनवरी में जी, वो। और ये मैंने SP साहब को आवेदन दिए थे, और DIG साहब को भी आवेदन दिए थे जी। और भी कोई लेटर है आपके पास जो आपको रिटर्न में मिली हो? बस यही एक नगर थाना से जो मिला था जी। ये कब मिली है आपको? ये जनवरी 2020 में मिला था, जब आवेदन DIG साहब को दिए जी, तब जाके मिला था। तो फिर आप गढ़ारा थाना गए अपने बाइक लेने के लिए? नहीं, मैंने कोर्ट में दर्ज कर दिए हैं, फाइल किए हैं जी, लेकिन अभी तक वो कार्रवाई नहीं हुआ। कोर्ट लॉकडाउन की वजह से, कोर्ट बंद था जी, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो आपको पुलिस से क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि मेरे जो इसका गुनहगार है उसको सजा दी जाए जी, और मेरा गाड़ी, आपका गाड़ी रिकवर किया जाए। रिकवर किया जाए। अच्छा, इसमें प्रशासन की कितनी लापरवाही आपको दिखी? बहुत लापरवाही दिखी है। ये आज 8 महीना होने चल गया है। अक्टूबर में ही पता चला था हमको गाड़ी का। उसके बाद नगर थाना गए थे जी, नगर थाना से भगा दिया, बोला जाइए गढ़ारा थाना बात करिए, गढ़ारा थाना से भी भगा दिया जी। उसके बाद जाके, तब जाके SP साहब को हम आवेदन दिए थे। अच्छा, तो अब आप इस चीज़ से संतुष्ट हैं कि हमारी गाड़ी मिल चुकी है? गाड़ी मिला ही नहीं तो हम संतुष्ट क्या है इसमें? कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ जी। वो अभी भी थाना में मुंशी काम कर रहा है जी। तो आप चाहते हैं कि मुंशी पर कार्रवाई हो जी, और जितने भी इसमें मिले हुए हैं, जितने भी प्रशासन विभाग के, सभी के ऊपर कार्रवाई की जाए जी? क्योंकि आप नॉर्मल परिवार से हैं, और आप क्या करते हैं? मैं तो DTH इंस्टॉलर का काम कर देते हैं जी, यानी कि नॉर्मल सा वर्क करते हैं, और जिसमें आपका कुल संपत्ति जो है, जो भी है आपकी बाइक जी, वो काफ़ी महंगी है जी, लगभग 60-70 हज़ार की होगी जी, जी। और इतने में मजदूर को लगभग कितने महीने लगाते हैं कमाने में? बहुत लग जाता है सर,
सालों भर लग जाता है कमाने में छोटे। तो कुल मिला के जो है सो बेगूसराय प्रशासन और गढ़ाड़ा थाना के प्रशासन जी बिल्कुल लापरवाही की है जी, जिसके कारण आप भटकते रह गए कभी कोर्ट कभी थाना जी जी। तो अब आप क्या मांग चाहेंगे बेगूसराय कोर्ट से? मांग चाहेंगे कि जो इसका दोषी है, 3 साल उन्हें गाड़ी यूज किया मेरा नंबर प्लेट बदल के गढ़ाड़ा थाना के मुंशी जी, ठीक है, उस पर कार्रवाई की जाए और मेरा गाड़ी सही सलामत जी। तो इसमें अगर आप आपको प्रशासन सपोर्ट करे तो क्या आप 420 का धारा लगवा सकते हैं? जी बिल्कुल जी, आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए? ठीक है।